अब देखिए भविष्य में क्या असर होगा, अब तो देखिए क्या होता है। लेकिन जो के पाठक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं उनके काम से। हाँ, विवादों से तो उनका नाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नए वाले शिक्षा मंत्री काम होगा और बेहतर। हाँ, बहुत बहुत बेहतर काम है। काम और बेहतर और बेहतर करेंगे जरूर, के पाठक सर के साथ मिलकर बहुत अच्छे काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी पास शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन हो रहा है। पहले फेज में जो बाहर शिक्षक थे, फर्जी शिक्षकों की पहचान के लिए थंब वेरिफिकेशन कार्य किया जा रहा है और एक सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां बड़े पैमाने पर शिक्षक आए हुए हैं थंब वेरिफिकेशन कराने आए हुए हैं। जी थंब वेरिफिकेशन के लिए आए हुए हैं। पहले फेज में बहाली हुई थी जी, टीआरई फर्स्ट में हुआ था। सैलरी उलरी तो आ रहा है? हाँ जी, सैलरी मिला है, उधर नवंबर का सैलरी मिला है, लेकिन दिसंबर का सैलरी अभी नहीं मिला है, वो थंब इंप्रेशन के बाद मिलेगा। काफी खुशी है? जी बहुत खुशी है, बहुत खुशी। एक डेढ़ महीना बच्चों को पढ़ाए हैं, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है और विद्यालय में बहुत परिवर्तन नजर आया है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है, विद्यार्थी आने लगे हैं, जो नए शिक्षक लोग आए हैं वो काफ़ी टैलेंटेड लोग भी हैं और विद्यार्थियों का जो फीडबैक मिला विद्यार्थियों से तो विद्यार्थी बहुत खुश है और वो विद्यालय आना बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। शिक्षा मंत्री बदल दिए गए हैं आलोक मेहता जी? अब आलोक मेहता, अब देखिए भविष्य में क्या असर होगा, अब तो देखिए क्या होता है। अब तो अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कितना असर होगा, लेकिन जो के पाठक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं उनके काम से। हाँ, थोड़ा सा समय को ये है लेकिन काफ़ी खुशी है, खुशी है, हम लोग काफ़ी खुश है, काफ़ी खुशी है। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं। आप कहाँ से हैं सर? आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। कहाँ बहाल हुए थे? मतलब सरैया प्रखंड। कितनी खुशी है, मतलब एक डेढ़ महीना बच्चों को पढ़ाया है, कैसा माहौल था? बहुत अच्छा माहौल। सैलरी उलरी मिल रही है टाइम पर? काफ़ी खुशी है। दो महीना का भी नहीं मिला है अभी। काफ़ी खुश हैं, हम वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा। अच्छा, शिक्षा मंत्री बदल दिए गए हैं, चंद्रशेखर जी को हटा दिया गया है और आलोक मेहता जी को बनाया गया है, कितना असर होगा इससे? वो तो आने वाला समय बताया कैसा होगा। के पाठक काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ अच्छा कर रहे हैं। क्या के पाठक तो काम अच्छा कर रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग के लिए तो बहाली भी हो गई, सैलरी भी आप लोग को मिल गई? जी इतना जल्दी मिला है कि आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं था कभी। नियोजित शिक्षकों की सैलरी तो तीन तीन महीना छः महीना से लटका हुआ है, आप लोग नहीं? ऐसे तो हम लोग नियोजित शिक्षक थे तो मिल ही रहा था, पहले भी मिल रहा था। नियोजित शिक्षक थे? जी काफी खुशी है। हम बीपीएससी वाले हो गए, अब गांव में भी लोग बोलता होगा बीपीएससी वाले मास्टर साहब। पहले 1-5 में थे सर, अब 11-12 में आ गए। काफी खुश है? जी बहुत खुश है, अब अपना सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला है। अच्छा, आलोक मेहता जी शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री बने, कितना असर होगा इससे? बहुत असर होगा सर, ऐसे ही बदलते रहना चाहिए। बदलते रहना जी असर होगा काफी। जी काफी असर होगा। सर आप कहाँ से हैं? सर हम भी सरैया से। सरैया से, कितनी खुशी है? हम यहाँ आए हैं थंब इंप्रेशन के लिए। हाँ, कितनी? हाँ खुश है सब, खुश है। डेढ़ महीना बच्चों को पढ़ाए हैं, कैसा? नहीं, हम बच्चों को, हम 14 वर्ष से सर्विस में है। नियोजित थे क्या? नियोजित है, अभी है, अभी नियोजित ही है। अच्छा, शिक्षा मंत्री बदल दिए गए हैं। हाँ, कितना असर होगा इसका? हाँ असर तो होना चाहिए, होवे करेगा, असर होगा। हाँ, तो चंद्रशेखर जी काफी विवादों में थे, अब हाँ हाँ अब देखिए ये तो बहुत पुराने हैं, ये भी पुराने हैं। आलोक मेहता जी तो बहुत पुराने हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति है। काफी खुशी है? जी काफी खुशी है। हाँ बहुत खुशी है, अच्छा लगता है, काफी खुश है। जी तो आप देख सकते हैं बड़े। आप कहाँ से हैं सर? हम सरैया ब्लॉक से हैं। सरैया ब्लॉक से? जी सर। कहाँ बहाल हुए? सरैया ब्लॉक में ही है। सरैया ब्लॉक में, काफ़ी खुशी है, डेढ़ दो महीना पढ़ाए हैं बच्चों को? हाँ बहुत खुशी है। कैसा अनुभव रहा? अनुभव भी अच्छा रहा, पढ़ा लिखाई बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, जो काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को भली भांति कर रहे हैं। अच्छा, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, मेहता जी को बनाया गया। बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और पहले वाले शिक्षा मंत्री काफ़ी विवादों में थे। हाँ, विवादों से तो उनका नाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नए वाले शिक्षा मंत्री काम होगा और बेहतर? हाँ, बहुत बहुत बेहतर काम होगा। उनसे सज्जन व्यक्ति हैं। हाँ सज्जन व्यक्ति हैं, उनसे बहुत अच्छा, लोगों का आशा भी है और उस आशे पर खड़े उतरेंगे, ऐसी आशा है। आशा पर खड़ा उतरेंगे और देख सकते हैं थंब वेरिफिकेशन सेंटर पर बड़े पैमाने पर शिक्षक आए हुए हैं और उनका थंब वेरिफिकेशन करना है। नए वाले शिक्षा मंत्री को लेकर भी लोगों ने कहा है कि काम बेहतर होगा और बेहतरीन तरीके से काम होगा। शिक्षक हैं, कई शिक्षक हैं। आप लोग कहाँ बहाल हैं? मैम कुखेरा हाई स्कूल में। कुखेरा हाई स्कूल, कितनी खुशी है, डेढ़ दो महीना बच्चों को पढ़ाए हैं? अरे बहुत खुशी है, काफ़ी खुशी है। सैलरी वगैरह टाइम पर आ रही है ना? हाँ बस आ गई है, नवंबर की आ रही है।
अच्छा, नए शिक्षा मंत्री बने हैं आलोक मेहता जी, क्या उम्मीदें हैं? काम और बेहतर होगा? और बेहतर करेंगे जरूर, केके पाठक सर के साथ मिलकर बहुत अच्छे काम करेंगे। काम और बेहतर होगा? हाँ होगा ही, जरूर होगा। क्या नए शिक्षा मंत्री आए, कितना असर होगा? अच्छा ही असर होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। आलोक मेहता जी को बनाया गया है, अच्छा होगा। केके सर के साथ काम करेंगे तो और भी ज्यादा एजुकेशन के मामले में अच्छा होगा। अच्छा होगा जी सर। और भी शिक्षक हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षकों की बहाली की गई है, बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ आए हुए हैं। सर आप कहाँ से हैं? हम यही मुजफ्फरपुर से। कहाँ? सरैया से हैं। सरैया से हैं। अच्छा, दो महीने में बच्चों को पढ़ाए हैं, क्या अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत सारा चेंजिंग आया है उसमें, पहले लोग उपस्थित नहीं रहते थे, अब वो आने भी लगे हैं, सभी लोगों को लैंग्वेज वगैरह सब चीज़ समझ में अब पहले के मुकाबले अच्छे तरीके से आ रहा है, सब ठीक है। अच्छा, शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया है, आलोक मेहता जी को बनाया गया है, कितना असर होगा इसका? क्योंकि पहले वाले शिक्षा मंत्री काफ़ी विवादों में थे, नए वाले से तो उम्मीद होगी अब? नहीं नहीं, अब हम लोग तो उम्मीद लगा करके रखे हैं कि बहुत अच्छा करें काम, लेकिन अब आगे देखिए। पुराने वाले मंत्री काफ़ी विवादों में थे इसलिए बनाया गया है, काफ़ी असर होगा इसका? हाँ असर होगा। मैम आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मऊ से। किस स्कूल में आपको दिया गया है? बनिया भगवानपुर टोला। अच्छा, दो महीना हो चुका है लगभग, कैसा अनुभव रहा? बहुत सही रह रहा। सैलरी तो वगैरह टाइम पर आ रही है ना? हाँ। काफ़ी खुशी है? हाँ। अच्छा, नए शिक्षा मंत्री बने हैं आलोक मेहता जी, कितनी उम्मीदें हैं? शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया है, कितनी उम्मीदें हैं? तो है, जैसी व्यवस्था चल रही है और सुधार होगा। पहले वाले शिक्षा मंत्री काफ़ी विवादों में थे, नए वाले से उम्मीदें हैं। आप कहाँ से हैं मैम? बस्ती जिले से। बस्ती जिले से हैं, यूपी से? यस। बिहार में टीचर बन गए, कितनी खुशी है? दो बहुत महीने खुशी है, बहुत। दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, उतना दिक्कतें तो आती जाती रहती हैं। वहाँ वाला ही माहौल है यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई जंगल राज वगैरह का तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ एकदम। काफी खुश है? हाँ बहुत खुश है। अच्छा, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, क्या उम्मीदें हैं? हाँ एकदम, वो भी अच्छा काम ही करेंगे। अच्छा काम ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई थी और शिक्षकों ने साफ साफ कहा कि नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता बने हैं, उनसे काफी उम्मीदें हैं। पहले वाले जो शिक्षा मंत्री थे वो काफ़ी विवादों में थे, नए वाले शिक्षा मंत्री से काफ़ी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही है। तो मैं रही लाइफ सिटीज के साथ। अब देखिए भविष्य में क्या असर होगा, अब तो देखिए क्या होता है। लेकिन जो के पाठक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं उनके काम से। हाँ, विवादों से तो उनका नाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नए वाले शिक्षा मंत्री काम होगा और बहुत बहुत बेहतर काम होगा। काम और बेहतर करेंगे जरूर, के पाठक सर के साथ मिलकर बहुत अच्छे काम करेंगे।